अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका इंस्ट्रक्टर अली रज़ा। मैं आपके लिए लेकर आया एक न्यू क्लास जिसमें हम सीखने वाले हैं शेप टूल। हम आज शेप टूल को स्टडी करेंगे, साथ में शेप टूल की हेल्प से ही हम एक आज टी शर्ट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लेक्चर। मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ किया। अब मैं गया शेप टूल में, नंबर टू मेरे पास शेप टूल है, इसकी शॉर्ट की F10 है। इसको मैंने क्लिक किया या आप F10 कर लें। तो यहां पर ये आपको ब्लैक नोट्स नजर आ रही हैं, ये डॉट्स हैं, इसको हम नोट्स बोलते हैं कोरल ड्रा में। हम अडोब फोटोशॉप में, अडोब इलस्ट्रेटर में इसको एंकर पॉइंट बोलते हैं, जबकि हम कोरल ड्रा में इसको नोट्स बोलते हैं। अब ये जब तक ब्लैक है, ये फिल नोड है, हम चाहते हैं कि अनफिल हो जाए। अनफिल करने के लिए इसको हम मैं कन्वर्ट कर्व करूंगा, यानी कि इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू किया मैंने, तो यहां देखें ये अनफिल हो गए और ऊपर इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो चुकी है। कंट्रोल जी कर रहा हूं, जब हमारे पास ये फिल नोड थे तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज थी, जो ही ये अनफिल हुए इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इसका दूसरा मेथड जो है अनफिल करने का, वो है आप ऑब्जेक्ट में जाएं, यहां पर कन्वर्ट टू कर्व्स, कंट्रोल क्यू शॉर्ट की इसकी। ये हमारे पास अनफिल हो चुकी है और उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो चुकी है। अब मैं चाह रहा हूं यहां पर मैं न्यू नोड ऐड करूं, इसके लिए मैं डबल क्लिक भी कर सकता हूं, या मैं यहां क्लिक करके यहां से मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, यानी कि ऐड नोड, यहां नोड ऐड हो चुका है। अगर मैंने नोड को रिमूव करना है तो मैं वो भी कर सकता हूं, मैंने सिर्फ नोड को सिलेक्ट करना है, माइनस कर दूं, या किसी भी नोड पे जाके मैं डबल क्लिक करूं तो वो हमारे पास डेल हो जाएगा। मैंने यहां न्यू नोड ऐड किया, मैं यहां से इस लाइन को मैं ब्रेक करना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या करना है, मैं इस पे जाके क्लिक करूंगा ब्रेक कर्व पे, तो ये ब्रेक हो चुका है। यहां नोड लगा रहा हूं मैं, एक नोड मैं यहां लगा रहा हूं, ताकि ये यहीं से मूव हो। एग्जांपल अगर मैंने यहां नोड नहीं लगाया, इसको मूव करूं, पूरी लाइन जो मेरे पास है वो मूव हो रही है, लेकिन मैंने यहां पर यूं ही नोड ऐड कर दिया, जब इसको मूव करूंगा तो ये यहीं से पाथ जो उसकी लाइन है वो यहीं से मूव होगी। हम इसको अडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप दोनों में हम इसको पाथ बोलते हैं, लेकिन कोरल ड्रा में हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं लाइन का। अब मैं चाहूं जितने मर्जी नोड ऐड कर सकता हूं, जस्ट डबल क्लिक करूंगा, नोड ऐड कर लूंगा, नोड को मूव कर लूंगा, जैसे चाहूं मैं इसको यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन है कि मैंने यहां पर डबल क्लिक किया, मैंने एक नोड ऐड किया, अब मैं चाह रहा हूं कि इस नोड को, इस पाथ को, इस लाइन को, जहां पर ये नोड है, मैं इसको रोटेट करूं, कर्व करूं। तो यहां पर मेरे पास कर्व की ऑप्शन है, कन्वर्ट टू कर्व, इसको मैंने क्लिक किया, तो देखिए क्लिक करते ही मेरे पास टू हैंडल्स आ गए, या इस नोड को मैं खत्म कर रहा हूं, इन टू नोड्स को मैंने सिलेक्ट किया और यहां पर मैंने इसको कर्व कर दिया। मैं किसी भी एक नोड पर क्लिक करूंगा, मेरे पास हैंडल्स आ जाएंगे, इनसे मैं इसको कर्व कर सकता हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि यहां पर मैं नोड करूं, ऐड करूं, तो यहां पे मैं नोड ऐड करूं। अब मैं चाह रहा हूं यहां पे मैं एक नोड ऐड करूं, मैंने यहां पे नोड को ऐड कर लिया। अब चूंकि मैं ऑलरेडी इस कर्व में था, जो ही मैंने नोड को ऐड किया तो मेरे पास ये ऑप्शन ऑन हो गई है। इसके ऑन होते क्या होगा, मैं एक पार्ट को रोटेट करूंगा, मूव करूंगा, दूसरा जो उसका हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली मूव होगा। अगर मैं सिर्फ एक पार्ट को ही मूव करना चाह रहा हूं तो मुझे इसको क्लोज करना होगा। अब देखिए एक पार्ट ही मूव हो रहा है। आई होप यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप इस पार्ट को दोबारा लेके आना चाह रहे हैं तो यहां कर्व के ऊपर क्लिक कर लें तो ये दोबारा आपके पास आ जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी हमने आज यहीं तक स्टडी करनी थी।
अब हम वर्क करते हैं टी शर्ट पे। ये मेरे पास एक टी शर्ट है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस शर्ट को लॉक करूंगा, क्योंकि जब मैं इसको ट्रेस रहा होऊंगा, मैं इसके ऊपर ट्रेसिंग करूंगा, तो जो है इसके आगे पीछे होने के बहुत से चांसेस हैं। ये मूव होगी अपनी प्लेस से और मेरी ट्रेसिंग खराब हो जाएगी, तो मैं इसको राइट क्लिक करके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लॉक ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। लॉक ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर मैंने रेक्टेंगल लिया, कंट्रोल क्यू किया मैंने। अब हर नोड को मैंने पिक किया और इसके कॉर्नर्स पे रख दिया। यहां पे मैंने डबल क्लिक किया, नोड ऐड किया, यहां पे रख दिया, यहां डबल क्लिक किया, नोड ऐड करके इसको यहां रख दिया, यहां डबल क्लिक किया मैंने, इसको उठा के यहां रख दिया। यहां डबल क्लिक किया मैंने, उसको उठा के यहां रख दिया, इसको उठा के मैंने यहां रख दिया, इस पार्ट को उठा के यहां रख दिया, इसको उठा के मैंने यहां रख दिया, यहां डबल क्लिक किया मैंने, इस कॉर्नर पर रख दिया। मैं नोड ऐड करता जा रहा हूं और नोड को मूव करता जा रहा हूं। अब ऑलमोस्ट मेरे पास प्लेस हो चुके हैं। अब मैं चाहूंगा कि मैं इनकी रोटेशन करूं जहां से रोटेशन हो रही है। पूरे पॉट मैंने सेलेक्ट किया और मैंने रोटेशन ऐड कर ली। यहां पे मैंने इसको क्लिक किया, इस लाइन को इसको पिक करके इसको मैं नीचे ले गया, इसको थोड़ा सा ऊपर किया। अब यहां पर देखें ये कॉर्नर बन रहा है प्रॉपर। मैंने एक नोड यहाँ पे लगाया, एक नोड यहाँ पे लगाया, इसको मैंने डेल कर दिया, तो वहां पर ऑटो रोटेशन बन गई मेरे पास। इसको पिक करके इस नोड को हम इसकी रोटेशन हैंडल से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी मैं हैंडल से करने लगा हूँ। इसको मैंने क्लिक किया नोड पे, हैंडल आ गया मेरे पास, इसकी मैंने रोटेशन कर ली जैसे मुझे चाहिए। आपको जैसे इजी फील हो आप इसको कर सकते हैं। यहां पे एक नोड ऐड किया, यहां पे नोड ऐड किया, इसको डेल कर दिया। जी, यहां तक हमारा पॉट क्लियर हो चुका है। अब मैं ये वाला पॉट बनाने लगा हूं। मैं यहां पर लाइन टूल भी यूज कर सकता हूं, बट मैं रेक्टेंगुलर से ही वर्क करूंगा, यानी कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं हम रेक्टेंगुलर टूल से भी ऑल पॉट क्लियर कर सकते हैं। हम जैसी भी ट्रेसिंग ओवर ट्रेसिंग क्लियर कर सकते हैं। यहां पर नीचे भी ब्लैक है, ऊपर मेरी लाइन भी ब्लैक है, तो मैं इसका आउटलाइन का कलर चेंज कर सकता हूं, ताकि मुझे इजीली नजर आए और मेरी ट्रेसिंग में कोई मसला ना हो। कंट्रोल क्यू किया मैंने इसको, इसको भी मैंने कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट में। इसको मैं डेली कर देता हूं, इस पॉड को मैं ऊपर ले जाता हूं, इसमें रोटेशन ऐड करता हूं, ऐसे भी रोटेशन ऐड कर सकता हूं मैं। इस नोड को मैंने डेली कर दिया। यहां पर मैंने नोड ऐड किया, इसको मैंने यहां रखा, यहां पे एक नोड ऐड किया, इसको इस पे रखा, इसको उठा के मैंने, सॉरी, इसमें मैंने रोटेशन ऐड की, इस पे क्लिक किया, इसको सीधा किया मैंने।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पर ये, अब मुझे ये पार्ट बनाना है, इसको मैं सेम ऐसे ही बनाऊंगा। मैंने रेक्टेंगुलर लगाया यहाँ पे, आउटलाइन कलर चेंज किया मैंने, कंट्रोल क्यू किया मैंने, कंट्रोल क्यू करते मैं शेप टूल में चला गया, इसमें मैंने कर्व ऐड किया, इसको डल कर दिया, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद इसकी मैंने सेटिंग कर ली, इसकी मैं सेटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर इसकी मैं सेटिंग कर रहा हूँ, ये मेरे पास सेटिंग हो गई। मेरे पास ये पार्ट रह गया, ये भी लाइन से भी ले सकता हूँ, रेक्टेंगुलर से भी कर सकता हूँ इसको। मैंने रेक्टेंगुलर ही लगाया यहाँ पे, कंट्रोल क्यू किया इसको, आउटलाइन कलर मैंने चेंज किया, शेप टूल में गया, इस पार्ट को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, इस पार्ट को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया मैंने, इस पार्ट को उठा के यहाँ से मैं यहाँ रख रहा हूँ, इस पार्ट को यहाँ से उठा के यहाँ रख रहा हूँ मैं। मैंने इसमें कर्व ऐड किया, इसमें कर्व ऐड करते मैंने इसको टेट कर लिया, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल क्या करता है, जहाँ पर हमारे पास ब्लॉक बना होता है उसके अंदर कलर ऐड कर देता है। स्मार्ट फिल को लेते मैंने यहाँ कलर ऐड किया और यहाँ कलर ऐड किया, सो क्लिक करके इस पार्ट को मैंने डल कर दिया। दोबारा मैंने स्मार्ट फिल लिया, यहाँ कलर किया, यहाँ कलर किया, यहाँ कलर किया और यहाँ कलर किया, जितनी भी आउटलाइन मेरे पास है उसको मैंने डल कर देना है। इसको उठाया, उठा के मैंने साइड पे कर लिया, साइड पे करते देखे मेरे पास शर्ट बन चुकी हुई है। इसका बस मैं कलर चेंज करने वाला हूँ, इसके स्पॉट का मैंने कलर चेंज कर दिया, मुझे नजर आ रही है इसकी आउटलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल लगाता हूँ मैं आउटलाइन को, मैंने इसको स्पॉट को कर दिया डल। कलर ऐड करने के बाद इसको भी मैं डल कर दूंगा। यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग पार्ट भी बना सकते हैं, इसको मैंने कर किया, यहाँ पर जाके मैंने लाइन टाइप चेंज किया, इसको मैं थिकनेस दे दी जितनी मुझे चाहिए। यहाँ पर एक पार्ट लाइन का ऐड किया मैंने, शेप टूल में गया, इसमें रोटेशन एंटर की मैंने, लाइन टाइप चेंज किया मैंने, उसकी विड्थ मैंने चेंज कर दी। ये जो कलर है इसको मैं थोड़ा सा डार्क करने वाला हूँ, जी आप देख सकते हैं मेरे पास एक प्रॉपर जो शर्ट है वो रेडी हो चुकी है। अगर इसकी मैं पूरे पॉट की आउटलाइन जो है वो मैं वाइट कर दूं तो यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे फेसबुक चैनल यूट्यूब चैनल दोनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।